बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम असद। मैं असद बिनते फातमा ओल्ड होम में मौजूद हूँ और बिनते फातमा ओल्ड होम इस्लामाबाद में आज जो है माओं के लिए खसूसी तौर पे किस तरह से जो है खाने का बंदोबस्त किया गया है और यहाँ पर फरजाना माँ मैं आज मौजूद हैं बिनते फातमा ओल्ड होम इस्लामाबाद में। आज इन माओं के लिए खसूसी तौर पे जो है खाने का बंदोबस्त किया गया, क्या क्या लवाजमात हैं फरजाना माँ से भी पूछेंगे और उसके बाद जो है बाकी बिनते फातमा इस्लामाबाद की माओं से भी जो है वो इंशाल्लाह बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? वेलकम टू बिनते फातमा इस्लामाबाद। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबको मेरी तरफ से ढेरों सलाम, इस्लामाबाद की माओ की तरफ से सलाम, कराची और लाहौर वाली माओ की तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम बुशरा बहन, बाकी इब्राहिम भी जो है यहाँ पर काम कर, हमसे भी बात करेंगे और साथ साथ पूछेंगे फरजाना माँ से कि आज माशाल्लाह खाने में इन माओ के लिए बिनते फातमा ओल्ड होम इस्लामाबाद की माओ के लिए जो है वो क्या आज स्पेशल सौगात है, थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा माशाल्लाह जो कि वो आप बस अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह इस्लामाबाद में और लाहौर में वैसे भी आप लोग इतनी खिदमत माओ करते हैं, जी जी, लेकिन फिर भी मेरा दिल करता है जब मैं आऊँ तो कुछ स्पेशल हो जाएगा माशाल्लाह। इसी तरह आपके लिए खाना करवाया। जी जी, क्या क्या इसमें खाने में बताइएगा? खाने में बिरयानी है। अच्छा माशाल्लाह। व्हाइट कोरमा है माशाल्लाह माशाल्लाह। और साथ में क्या है इसके? साथ में इसके कस्टर्ड है। अच्छा, बहुत रायता है, सलाद है और सबसे जो सबसे अहम चीज है ना, जी, मैं कराची से इनके लिए स्पेशल आम लेके आई हूँ। जबरदस्त। ये जी कराची माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं लफ्जों में नहीं बता सकती जिस तरह कराची वाले जी जी सिंधी आम जो है बहुत मशहूर होता है, बहुत मीठा भी होता है। जी जी। और मेरे घर में इस कराची में माशाल्लाह बहुत बहुत ज्यादा आम आ रहे हैं माशाल्लाह। आप लोग दे रहे हो माशाल्लाह। मैं कह रहा था कि मैं जा रही हूँ, जी जी, तो मैं ना मैं लेके जाऊँ चूंकि आसानी होती है साथ लेके आने की। जी जी। तो इन माओ के लिए भी मैं ना आम लेके आई हूँ आपकी तरफ से माशाल्लाह, मीठे मीठे आम माए भी आम माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, आप खाना वाना आप देखें और जो है जी 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 आप जी जी बिल्कुल आए, माओ से भी मिलते हैं, उसके साथ साथ जो है खाने का बंदोबस्त स्पेशल किया गया और जो माए हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम खतीजा, ये इस घर की रौनक है जी माशाल्लाह। चले आज जी आज इस वक्त जो है माए सभी यहाँ बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह जी। ये जी सकत जो है बिनते फातमा ओल्ड होम इस्लामाबाद में मौजूद है और सब लोग जो है ये वेलकम हर दफा होता है कि जब बच्चे हैं और बच्चे माँ को देख कैसे खुश हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आमना बहन भी है, माई भी है, उनसे भी जो है लाहौर से उनसे भी मिल रहे हैं सब। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तो देखें जी, ये जी वो माशाल्लाह उमरा जायरीन भी है जो कि उमरे पे साथ साथ भी थे, आपना बहन की और बाकी लोग भी जो हैं माशाल्लाह, सब लोग जो हैं बड़े खुशी से जो है सब लोग उनको मिल रहे हैं माशाल्लाह। तो जी ये खुशी होती है कैसी है माँ जी? आप ठीक है? खैर खरी से बहन आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह ये हमारे उम्र के बच्चे हैं। अच्छा माशाल्लाह, उम्र पे आप उम्र पे गए थे माशाल्लाह है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी लोग भी जो है वहाँ भी जो है जो आप ठीक हो? हाँ मुझे मिली है वो, मुझे भी मिली है वो। बाकी लोग भी जो आगे जो थोड़े अनिल है जिनका थोड़ा कितनी खुश हो रही है कितनी खुश हो रही है माशाल्लाह जी। सब लोग जो है मिलके जो है वो खुशी से जो है यकीन करें, सबके चेहरे जो है वो खिल रहे हैं माशाल्लाह और वो जो है वो प्यार मोहब्बत और जो एक अकीदत है यकीन करें। कैसी हैं आप? ठीक है बहन? खैर खरी से माशाल्लाह, बड़ी फिर आ रही है। हाँ जी। हाँ तो माशाल्लाह फिर आमद है, जानवरों को मिस तो नहीं कर रहे? हाँ मिस कर रहे हैं जानवरों को। अरे
इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहन लेकर आते हैं, ठीक है। देखिए जी यहाँ पर जो है और गाय भी आएगी, बकरे भी आएंगे, कब आएंगे? बस इंशाल्लाह हम बस आए ना तो इसी मकसद के लिए आए, जरूर आएंगे, ठीक है। गाय भी बकरे भी और आपकी घर ईद होगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। इनके बेटे की ईद है ना? ठीक हो गया जी जी, बस वो कोई जिक्र करना चाहे ना करना चाहे, इस तरह ही अपने आप को दिलासा दे रही होती हैं माएं। तो आप बेफिक्र हैं, ठीक है, जानवर जरूर आएंगे, गाय भी कोई पिछले साल की तरह आप संभाल लेंगे। चले अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आप? ठीक है बहन, माशाल्लाह घर गई थी, बड़ी अच्छी खुशखबरी मिली हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। चले सब ठीक था घर में, सब खैर करिए से बच्चे? चले अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब जो है इंतजार है उसका, जानवरों का। मैंने शादिया बहन को मैंने कह दिया, हाँ शादिया को ज्यादा शौक है जी जी, संभालती भी अच्छी है ना जी जी। क्या कह रही हैं आप? हमें तो बहुत खुशी है, बकरे कब आएंगे? इंशाल्लाह 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 होती है ना घर में, पता चलता है। देखे ना, हम यही चाहते हैं ना कि किस तरह से जो है इनके घर में खुशी आए, ये मकसद है यहाँ आपका भी आने का। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। मुझे बताएं कि किस तरह घर में जो आप चाहते हैं कि रौनक आए, खुशी आए, थोड़ा सा बताइएगा। बस जिस तरह रमजान होता है, रमजान के रोजे होते हैं और उसकी तैयारियां होती हैं और उनकी खिदमत होती है, आप लोग भी खिदमत करते हो, तो उसके बाद ईद आती है, यही इंतजार होता है कि अब ईद आने वाली है, तो वो भी खुशी होती है। अब जो ये वाली ईद है, ईद अज़हा जो है, ये भी जानवरों की ईद है, तो इनको यही इंतजार होता है कि जानवर आएंगे हमारे घर में, हाँ। हमारे घर में रौनक होगी, क्योंकि इनकी ना और तो एक्टिविटी कोई इस तरह के मामला नहीं होते, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वजह से इनके घर में रौनक होती है। अल्लाह पाक आपको ढेरों अजर दे, जो इनके घर सजाते हो अल्लाह पाक आपके घर सजाए, आपके घरों में रौनक दे, आपकी नेकियों को कबूल करे। हम लोग तो इस काबिल नहीं है, लेकिन आप लोगों ने हमें इस काबिल किया कि हम लोग मिलके इन माओं की खिदमत करें और नेकियां कमाएं। तो बस जी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वक्त हम लोग बिनते फातिमा ओल्ड होम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और 13 जून तक इंशाल्लाह फरजाना माँ मैं हम लोग बिनते फातिमा ओल्ड होम इस्लामाबाद में हैं। आप में से कोई भी आके मिल सकता है, माओ से मुलाकात कर सकता है, चले हमारे बहाने से, खुशियों के बहाने से, लेकिन मेन मकसद ये है कि इस घर में भी ईद का समा पैदा किया जाए। कराची में मैं तो फरजाना माँ मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें जो थोड़ा हमें लगता है जो एहसास कमतरी रह जाती है वो इस्लामाबाद और लाहौर। इसीलिए डे वन से फरजाना माँ का ये एक एक एम था कि हम सबसे पहले खुशियां इस्लामाबाद ओल्ड होम से देना शुरू करेंगे बड़ी ईद की, उसके बाद लाहौर, फिर कराची। तो मेरी आप तमाम इस्लामाबाद के लोगों से, इनके बेटों से, बेटियों से यही अपील है कि आगे बढ़िए और इन माओ को हमने खुशियां दे के जानी है, यहाँ पर इनको जानवर दे के जाने हैं, उसकी वजह कि इनके घर का वो माहौल पैदा करना है कि हाँ बड़ी ईद आ गई, जानवर आ गए, एक माइंड डाइवर्ट हो जाता है खुशियों की तरफ। आप नंबर नोट कर सकते हैं 03212070463। गाय का हिस्सा 15,000 है, पूरी गाय 1,05,000 की है। बकरे इस दफा दो हम लोगों ने कोशिश की है कि तकरीबन जो बड़ा बकरा है वो 60,000 और जो एवरेज बकरा है वो तकरीबन 35,000। आप अपने जानवर भी अतिया कर सकते हैं ताकि इन माओं को खुशियां दें। मैं कहता हूँ कुर्बानी तो करनी है, लेकिन क्यों ना खुशियां दे के जो है उसको डबल उसका अजर ले लिया जाए। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। बिनते फातिमा ओल्ड होम इस्लामाबाद में आप लोगों का इंतजार रहेगा, इन माओं को भी, हमें भी इंशाल्लाह। जजाकअल्लाह खैर। तो बस आपने टेंशन नहीं लेनी इंशाल्लाह, ठीक है, जानवर आएंगे, बस आप तैयारी पकड़े संभालने के लिए। अच्छा चले चले, वो थोड़ा जरा ना वो जज्बाती हो गया, पट्टे डालने भाई और घुमाना भी है उनको, ठीक है ना। खदीजा के साथ साथ ना सना भी, आप हाँ सब लोग खुश हैं, ये खुशियां देनी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जजाकअल्लाह खैर।